प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और यूट्राइन यानी बच्चे दर्द का कैंसर, तीन ऐसे कैंसर है जो कॉमनली बॉडी के हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस से बॉडी में डेवलप होते हैं और फैलते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिंपली बॉडी के हॉर्मोनल मिल्यू को एडजस्ट करके इन कैंसर्स को खत्म किया जा सकता है या सालों तक रोका जा सकता है? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर स्पेशलिस्ट यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हॉर्मोन थेरेपी है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को काफी कंफ्यूजन और मिसकंसेप्शन है। एक बहुत ही चीप, बहुत ही सेफ और बहुत ही यूजफुल ट्रीटमेंट ऐसी है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, तो हम इस वीडियो को इसलिए लाए हैं ताकि लोगों को इस ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी मिले और हॉर्मोन थेरेपी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो। तो वीडियो में हम फॉलोइंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नंबर 1, हॉर्मोन्स की वजह से कैंसर कैसे बढ़ता है? नंबर 2, हॉर्मोन थेरेपी क्या है और कितने प्रकार की होती है? नंबर 3, क्या हॉर्मोन थेरेपी एक टैबलेट है या एक इंजेक्शन है? नंबर 4, हॉर्मोन थेरेपी के फायदे क्या है? नंबर 5, हॉर्मोन थेरेपी के नुकसान क्या है? और नंबर 6, आप कैसे हॉर्मोन थेरेपी एक्सेस कर सकते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि हॉर्मोन के इन्फ्लुएंस में कैंसर कैसे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मेल्स और फीमेल्स में विभिन्न हॉर्मोन्स होते हैं जो उनकी बॉडी को डायरेक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। तो कुछ हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि बॉडी के विभिन्न सेल्स का ग्रोथ स्टिमुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल्स में फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जैसे कि ब्रेस्ट, यूट्रस, सर्विक्स इत्यादि पे असर करते हैं। और इन हॉर्मोन्स का ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब कैंसर सेल्स में DNA डैमेज एक्यूमुलेट होता है, तो ऐसे सेल बन जाते हैं जो हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में नॉर्मल की ग्रोथ की बजाय एबनॉर्मल ग्रोथ में चले जाते हैं और कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लगभग 70% ब्रेस्ट कैंसर ऐसे होते हैं जो हॉर्मोन थेरेपी से सेंसिटिव होते हैं और हॉर्मोनल इन्फ्लुएंस के इन्फ्लुएंस में डेवलप हुए होते हैं। सिमिलरली, मेल्स में एक ऑर्गन होता है जिसको प्रोस्टेट बोलते हैं, और प्रोस्टेट ऑर्गन मेल्स के हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में ग्रो और डेवलप होता है। और कुछ केसेस में इस नॉर्मल प्रोस्टेट में कैंसर सेल डेवलप हो जाते हैं जो टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में बढ़ते और फैलते रहते हैं, जिसकी वजह से फैलता हुआ प्रोस्टेट कैंसर डेवलप हो जाता है। तो बॉडी में तीन मेन हॉर्मोन सेंसिटिव कैंसर होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और एंडोमेट्रियम यानी बच्चेदानी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हार्मोन थेरेपी क्या होती है। तो चूंकि ये कैंसर ऐसे हैं जो बॉडी के हार्मोन इन्फ्लुएंस से ग्रो और डेवलप होते हैं और स्प्रेड होते हैं, साइंस ने ये जाना है कि बॉडी के हार्मोन्स को अगर मैनिपुलेट करते हैं, जैसे कि फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन को स्टॉप कर दे या मेल्स में टेस्टोस्टेरोन को स्टॉप कर दे, तो ये ट्यूमर अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं, कई केसेस में खत्म हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बीमारी रिमिशन में चले जाती है। तो हार्मोन थेरेपीज मेनली दो तरह की होती है। कुछ थेरेपीज होती है जो बॉडी में हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन को खत्म या कम कर देती है, और कुछ थेरेपीज ऐसी होती है जो हार्मोन्स को ट्यूमर सेल पे एक्ट नहीं करने देती, यानी उसका इफेक्ट ब्लॉक कर देती है। दोनों का नेट इफेक्ट ये होता है कि ट्यूमर सेल को हार्मोन का सिग्नल नहीं मिल पाता और उससे उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है और वो श्रिंक होके सेल्स की डेथ हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो उनसे बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये है कि हार्मोन थेरेपी गोली है या इंजेक्शन है। तो इसका आंसर है कि दोनों। हार्मोन थेरेपी टैबलेट फॉर्म, इंजेक्शन फॉर्म दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। कुछ कैंसर्स में टैबलेट फॉर्म यूज किया जाता है और कुछ टैबलेट में इंजेक्शन फॉर्म यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन थेरेपी क्यों यूज करनी चाहिए, इस थेरेपी के क्या फायदे हैं? तो हार्मोन थेरेपी के बहुत सारे फायदे हैं। नंबर 1, ये एक बहुत ही नेचुरल वे ऑफ ट्रीटिंग द ट्यूमर है, क्योंकि हार्मोनल मैनिपुलेशन नॉर्मली बॉडी में होती रहती है और ये बिकॉज इट इज अ वेरी नेचुरल वे, इसके साइड इफेक्ट बहुत माइल्ड होते हैं, तो हम अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही जनरली इसके कोई सिवियर या डेंजरस साइड इफेक्ट मेजोरिटी ऑफ केसेस में नहीं होते हैं। नंबर 2, ये थेरेपी बहुत ही इजी टू टेक है। कई ज्यादातर केसेस में एक सिंपल टैबलेट होती है जो पेशेंट को डेली लेनी होती है, तो पेशेंट के लिए थेरेपी बहुत कन्वीनियंट होती है। नंबर 3, कॉस्ट। तो हार्मोन थेरेपी एक पुरानी थेरेपी है, ज्यादातर पेशेंट्स में इस थेरेपी का कॉस्ट बहुत ही कम होता है, यहाँ तक कि कुछ थेरेपी इतनी चीप है कि महीने का खर्चा 300 या 400 रुपए से ज्यादा ना हो और एक सिंपल टैबलेट से पेशेंट का कैंसर कंट्रोल हो सकता है। तो ये बहुत ही चीप और रेडली अवेलेबल थेरेपी है जो कि छोटे से छोटे शहर या छोटे छोटे गांव में भी अवेलेबल है और पेशेंट कन्वीनियंटली अपने घर पे ले सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस थेरेपी के डिसएडवांटेजेस क्या है। तो डिसएडवांटेजेस से मेरा हमारा तात्पर्य रहेगा साइड इफेक्ट्स। तो दोस्तों कोई भी थेरेपी यदि काम करती है तो उसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। सिमिलरली हार्मोन थेरेपी यदि पेशेंट को केयरफुली सेलेक्ट किए तो 90-95% पेशेंट में ट्यूमर का कंट्रोल प्रोवाइड करती है, बट एट द सेम टाइम पेशेंट को कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट डिपेंड करता है हम कौन सी हार्मोन थेरेपी यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फीमेल्स की। तो लड़कियों में दोस्तों एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन को मैनिपुलेट करने से कॉमनली हार्मोनल साइड इफेक्ट होते हैं जो कि मेनोपॉज के जैसे होते हैं। यानी जब लेडीज मेनोपॉज में जाते हैं जो साइड इफेक्ट उनको होते हैं जैसे कि थकान, बोन लॉस, हॉट फ्लशेस, नीचे की तरफ ड्राइनेस या एक्सेसिव सेक्रेशन और कमजोरी, इस तरह के साइड इफेक्ट्स कॉमनली हार्मोन थेरेपी में देखे जाते हैं। बट मेजोरिटी ऑफ केसेस यानी 95% से ज्यादा पेशेंट्स में ये साइड इफेक्ट्स माइल्ड होते हैं और इजीली मैनेजेबल होते हैं। ऑन द अदर हैंड यदि हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में हार्मोन थेरेपी का मेन इफेक्ट हाइपोगोनाडिज्म वाले साइड इफेक्ट होता है, यानी पुरुष के टेस्टोस्टेरोन एलिमिनेट से होने से टेस्टोस्टेरोन की कमी वाले साइड इफेक्ट होते हैं जिसमें थकान, मसल्स की कमजोरी, इम्पोटेंस, बोन लॉस, मसल लॉस, मूड चेंजेस, ओबेसिटी, मोटापा, चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी हैबिटस इत्यादि होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हालांकि ये साइड इफेक्ट्स टेस्टोस्टेरोन के लॉस से होते हैं, इनमें से कई साइड इफेक्ट्स को एक्सरसाइज यानी डेली वर्जिश से ऑब्विएट किया जा सकता है और अन्य साइड इफेक्ट्स के लिए दवाइयां अवेलेबल है। ओवरऑल फीमेल और मेल दोनों साइड इफेक्ट्स को मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इजीली मैनेज किया जा सकता है और बहुत रेयर है कि किसी को साइड इफेक्ट्स की वजह से हार्मोन थेरेपी को छोड़ना पड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो ये है कि क्या हमारे ट्यूमर में हार्मोन थेरेपी यूज की जा सकती है। तो दोस्तों सबसे कॉमनली हार्मोन थेरेपी ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर में यूज की जाती है। कुछ अन्य कैंसर भी है जिनमें हार्मोन थेरेपी यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक तरह का सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर होता है फाइब्रोमेटोसिस, जिसमें हार्मोन थेरेपी यूज की जा सकती है। कुछ बच्चों के ब्रेन ट्यूमर में भी हार्मोन थेरेपी यूज की जाती है और कई अन्य ट्यूमर में हार्मोन थेरेपी का लिमिटेड रोल है, पर मेन ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और यूटेरिन कैंसर में हार्मोन थेरेपी का यूज किया जाता है। यदि आपको डाउट है कि आपके ट्यूमर में हार्मोन थेरेपी वर्क कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो आपको अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए या फिर वीडियो के एंड में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए कॉन्टैक्ट लिंक से आप हमको अपनी क्वेरी भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो देख के आपको हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी और ये आपके लिए यूजफुल रही होगी। दोस्तों हमारे वीडियो का पर्पज ये है कि वर्ल्ड का बेस्ट और लेटेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट हमारे देश के पेशेंट एक्सेस कर सके, उसके बारे में जाने और ये उनकी भाषा में उन तक ये जानकारी पहुंचे। यदि इस वीडियो में कोई ऐसी सवाल या क्वेरी आपको है जिसका जवाब इस वीडियो में आपको नहीं मिला, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से या स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया चैनल से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको आपके सवाल का जवाब मिले। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर फ्रीक्वेंटली पॉल्स इशू होते रहते हैं जिसमें आप हमारा ऑडियंस खुद पिक कर सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो यदि आप हमारे वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।